I am doing the chemical reactions of alkenes. Okay. Chemical properties may aromatization reaction where we discuss about the hexane. Hexane का structure यही होता है. ठीक है बेटा. ये जो दो terminals आपके CH3 group हैं, इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. Can I write the structure like this? अब इसमें से मैंने क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. Then we are going to remove these hydrogens. इसमें से जो एक है वो as H पॉजिटिव निकलेगा और एक है वो as H नेगेटिव निकलेगा. And this bond will be transferred here. ठीक है, दो बॉन्ड्स है ना, एक बॉन्ड था वो आपने आगे ट्रांसफर कर देना है. एंड इन दिस वे अ बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन दीस CH2. आ जाएगा एक बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम. यस, वन बॉन्ड. हां जी, क्लियर है बेटा? Is this clear? अब अगर दो हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाया तो अगर मैं इसमें से तीन बॉन्ड बन जाएंगे, यहां से जाएंगे तो यहां से दो गए, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा. सिमिलरली अगर आपने यहां से भेजे हैं, ठीक है, इन दिस वे जब आप इसमें से ये रिमूव कर दोगे तीन हाइड्रोजन तो बस ये बन जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट. अब जैसे मैंने यहां से रिमूव किए हैं, सिमिलर वे से मैं इन दोनों से पहले कर सकती थी. सिमिलर वे से मैं इन दोनों से पहले कर सकती थी तो आपकी डबल बॉन्ड ही क्या. फिर आपके डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो थी वो डिफरेंट हो जानी थी. क्लियर? तो इसलिए जो बेंजीन नहीं है उसमें हम किसी भी साइड पे जो बॉन्ड है वो लगा सकते हैं. ठीक है, इन द सेम वे डू द एरोमेटाइजेशन ऑफ हेप्टेन. इन द सेम वे डू द एरोमेटाइजेशन ऑफ हेप्टेन. अब हेप्टेन में क्या डिफरेंस आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका एक साइड चेंज होगा. हमें इन दोनों में से रिमूव करना है और वो जो है वो साइड रूट पे चला. ठीक है, बनाओ. हमने रिंग को एक्सपैंड नहीं करना है. ओके, बेंजीन है, एरोमेटाइजेशन में आपने कौन सी रिंग रखनी होती है? एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड में हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, तो हमें छह ही चाहिए यहाँ पर. जो एक एक्स्ट्रा है वो साइड में चला जाए, तो साइड में कर देना. दैट विल बी इन द साइड चेन. क्लियर?
आपने छह की ही रिंग बनानी है और जो ऊपर सी एच थ्री ग्रुप है वो साइड में जाएगा। अंजुडान बेटा कमल बना रही है, सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पर आपने एक सी एस पी को अटैच और वैसे भी छोटा ऐसे ही है ना कंटीन में छह बार करने का सिक्स पोजीशन पे लगाओ। ठीक है तो सबने आप पे साइड चेंज कर दो सीएसपी का कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन का नहीं। ठीक है इज दिस क्लियर? Now next write down reaction with steam. Reaction with steam. क्या होता है जब आपके हेलोजन्स जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे? In the presence of nickel catalyst, they will be giving you carbon. Next write down hydrogen. ठीक है? Balancing में right so with this your chemical properties of alkanes are finished. Now write down conformations of alkanes. Next write down conformations of alkanes. Now to understand this concept conformations, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आपने लैब में देखा था जो बॉल एंड स्टिक अरेंजमेंट था ग्रेफाइट का, देखा था आपने प्रैक्टिकल के टाइम पे, सबने देखा था कि नहीं? ओके नहीं देखा। इमेजिन करो ये 3D फिनोमेना है, 3-dimensional फिनोमेना है। ठीक है मेरे पास कुछ चीजें हैं, लाइक सपोज ये चीजें हैं, ये कार्बन एटम है एक, ठीक है, और ये इसके साथ जो दूसरा कार्बन एटम है ये जॉइंट, ये बॉन्ड शो कर रहा है। ठीक है ये चौक जो है ये आपके बॉन्ड शो कर रहे हैं, इसके बीच में कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम और ये कार्बन, ठीक है, तो यानी कि जो कार्बन एटम था दे आर बॉन्डेड बाय सम ऑफ द बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जॉइंट। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इस सिंगल बॉन्ड की रोटेशन कर ली। I'll be rotating this single bond in a number of ways. और मैं पहले भी बता रही हूँ आपको, this is a three-dimensional concept. हम 3D में बात कर रहे हैं, space coordinates में बात कर रहे हैं, ठीक है? हम space coordinates में बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस bond की number of ways rotation कर रही हूँ। इस carbon और carbon bond को मैं क्या कर रही हूँ, जो sigma bond है इनके बीच में, जो single bond है carbon और carbon, क्या कर रही हूँ मैं इसको, इन अ नंबर ऑफ वेज वी आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वी आर चेंजिंग इट्स अरेंजमेंट, वी आर चेंजिंग इट्स पोजीशन, कुछ भी कर, हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम उसको कहीं और लेके जा रहे हैं, या हम उसका अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, जैसे पहले था उससे डिफरेंट कर, दैट अरेंजमेंट्स और दैट पोजीशंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। Whenever you are going to do any change in the bond, the sigma bond that is actually formed between the two atoms, तो हमारे पास number of structures आते हैं। ठीक है? जब भी आप किसी चीज के bonds को change करते हो, rotate करते हो, ठीक है? उनकी positions को different करते हो, तो आपके पास कुछ different structure आएगा, आएगा ना? अगर आपने कोई चीज change की है, तो आपके पास कोई नई चीज मिलेगी। तो that new structures be called as conformations. क्लियर हुआ?
वो जो हमारे पास नए स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हम उनको क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम किसकी कॉन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे एल्केन्स में, the simplest alkene that is ethane. अब इथेन का फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि मैं जब इस एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे कार्बन को चेंज कर रही हूँ तो इसके जो हाइड्रोजन है अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रही हूँ। बात एक कार्बन को मैंने फिक्स रख लिया है, दूसरे कार्बन को मैं चेंज कर रही हूँ और उसके साथ तीन हाइड्रोजन लगे। अब ये हाइड्रोजन जो है वो क्या क्या पोजिशन लेते हैं, कैसे कैसे अरेन्ज होते हैं, ठीक है, that we will be understanding in the conformation. So you can write down the definition. The relative spatial arrangement, conformation ki definition hai, the relative spatial arrangements which arise, the relative spatial arrangements which arise due to the rotation about the single bond, right? So हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम एक कार्बन कार्बन या सिंगल सिंगल बॉन्ड्स में क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग सम टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, वी आर गेटिंग सम टाइप्स ऑफ अरेन्जमेंट, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशन। नाउ राइट अप वैसे नंबर ऑफ वेज बनते हैं, वैसे आपकी कॉन्फर्मेशन जो है वो नंबर ऑफ वेज से आती हैं, कोई भी पोजीशन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, ये बात नहीं है स्पेस में, बट हमने वही उठानी होती है जो हमें स्टेबल लगती है, ठीक है, सारी कॉन्फर्मेशन जो है वो उठानी नहीं पॉसिबल है, बट जो उसमें से स्टेबल होंगी हम वही उठाते हैं, ओके? तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन, दे आर स्टैगर्ड एंड दे आर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। अब देखो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कैसे बनेगी, आपने इसको इमेजिन करना है बस माइंड में, इमेजिन दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन्स लगाने हैं, यहां पर भी तीन हाइड्रोजन्स लगाने हैं, हो गया आपका इथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट, इथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट है आपका, ठीक है, सो दिस इज अ स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। इन द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन व्हाट इज देयर, यू नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एटम्स हैं, सबके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, जितने क्लोज होंगे दूसरे के उतनी ही ज्यादा वो क्या कॉज करेंगे, रिपल्शन कॉज करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया है, बेसिकली जो आपके हाइड्रोजन की पोजीशन है, वी हैव रिटन द कॉन्फिगरेशंस लाइक दिस स्टैगर्ड में, कैन यू इमेजिन दिस, ये एक रखा है मैंने, इसके ऊपर ही आपने ये जो कॉन्फर्मेशन है इसको लगा के देखो, ऐसे ही बनेगा कुछ, ये कॉन्फर्मेशन है आपकी, कार्बन को मैंने गोले में रख दिया, ठीक है, सर्कल कर दिया, ये एक है कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ऐसे ही बनेगा कुछ। अभी मैंने आपको ये बताया था, देखो इफ दे आर जॉइंड बाय सम बॉन्ड, ऐसे ले लेते हैं, इमेजिन करो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, अगर मैं इसको ऐसे बना रही हूं, ठीक है, तो एक फ्रंट फेस कवर कर रहा है और एक बैक फेस कवर कर रहा है, ऐसे ही है ना, एक फ्रंट फेस कवर करेगा और एक बैक फेस कवर करेगा, ठीक है, देखो तो ये आपको फ्रंट वाली कॉन्फर्मेशन दिखाएगा और ये वाला जो है वो आपको बैक वाली कॉन्फर्मेशन दिखाएगा,
या ये वाला आपको फ्रंट वाली दिखा रहा है, एक जो है वो बैक वाली दिखा रहा है। तो मैंने एक को फ्रंट में रख दिया है और ये वाला जो है वो आपको बैक की कॉन्फर्मेशन देगा। ये क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक? Now you can see there is sufficient distance between the hydrogen atoms in this configuration or in this conformation. Hydrogen, hydrogen में maximum distance है, है ना? कि नहीं? So that means the staggered conformation in this, the electron cloud of the hydrogen, hydrogen atoms, they are at a far apart distance. ठीक है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसमें स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन का फैक्टर है वो हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी, दूसरा कार्बन वहीं पे है, वो मैंने शो नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ फ्रंट फेस वाला कार्बन दिखाया, दूसरा कार्बन उसके पीछे है। अब हम 2D में मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट 3 डायमेंशनल में मैंने आपको दिखाया ना, ये चौक के एग्जांपल से आपको दिख रहा है, फ्रंट बैक फेस में ये भी है, फ्रंट फेस में ये भी है। ठीक है, तो मैं आपको 3 डायमेंशनल में ये व्यू दिखा सकती हूँ, बट आई कांट शो यू इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में अज्यूम करके चल रही हूँ कि वो इसके पीछे है, 3 डायमेंशन में तो आपको दिखा रही हूँ मैं, आपको दिख भी रहा है कि एक यहाँ पर है और एक दूसरा पीछे है इसके, दोनों दिख रहे हैं ना कार्बन आपको, बट यहाँ पर नहीं दिखा सकते हम 2 डायमेंशन में, इसीलिए हम ये 3 डायमेंशनल में बात करते हैं। दिस इज एक्चुअली अ स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फिनोमेना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन की। यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हो, सो इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू मेक, बट द थिंग हेयर इज कि दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, यहाँ दोनों ऊपर बना लो या दोनों नीचे बना लो, ठीक है, बट जो पोजीशन है वो सेम सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने एक ऊपर शो किया, दोनों तरफ एक ऊपर शो करना है, दो नीचे शो करना है, ठीक है, यहाँ दोनों ऊपर शो करो और एक को नीचे शो, ठीक है जी। अब इसमें बताओ रिपल्शन फैक्टर, ये फिक्स रख के इसको इमेजिन करो आपने इसके ऊपर रखा है, एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को इमेजिन करो, इसके जो कार्बन है यहां से आपने उठाया इसको, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट देखना है हमने, ठीक है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है, हमने इसको इमेजिन किया कि मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा है, क्या बनेगा? कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो आपका दूसरा हाइड्रोजन है वो भी ऐसे ही आएगा कि नहीं? वैसे तो इसके ऊपर ही आएगा, बट आपको शो करने के लिए मैं थोड़ा सा साइड पे दिखा रही हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा साइड पे शो कर रही हूँ, ऐसे ही आएगा ना, वो बिल्कुल उसके पास आएगा। तो डैट मीन्स इसमें जो रिपल्शन फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इकट्ठे इकट्ठे हैं, पास पास में हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसके क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यानी कि जो एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है वो क्या है, दैट इज अनस्टेबल, अ बिट अनस्टेबल, ठीक है। बट ये दोनों जो कॉन्फर्मेशन आई थे इनकी, वी विल बी प्रेफरिंग देम स्टैगर्ड एंड द एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। नाउ राइट डाउन, जैसे मैंने आपको ये व्यू दिखाया है, इनको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं एक्चुअली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, ये जो मैंने आपको प्रोजेक्शन दिखाई है दैट इज सौ हॉर्स प्रोजेक्शन, ये वाली जो आपने प्रोजेक्शन देखी है दैट इज सौ हॉर्स प्रोजेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो आपने वो प्रोजेक्शन देखी है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो,
assuming at the center of this is a hydrogen atom, carbon atom, ठीक है, और पीछे जो है वो हम क्या assume कर रहे हैं, एक carbon, एक ये carbon है और एक ये carbon, ठीक है, एक dot वाला carbon है, एक circle वाला carbon, clear है ये, clear हो गया। अब जो डॉट वाला है वो आपका फ्रंट फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्कल वाला है वो आपका बैक फेस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में ही अगर हम दोनों प्रोजेक्शंस शो करें तो आपकी जो स्टैगर्ड है वो कुछ ऐसे आएगी, अगर एक हाइड्रोजन इसका ऊपर है तो इसके दोनों ऊपर होंगे, ऐसे ही है ना, ऑल्टरनेट है ना, इस कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन ऊपर है तो इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन बाकी ऊपर, तो मैं इस कॉन्फर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी स्टैगर्ड वाले को, हाँ ना, ठीक है, न्यूमैन में। और यही अगर हमने एक्लिप्स शो करनी है न्यूमैन में, न्यूमैन में ये बिल्कुल पास पास आएंगे फॉर द एक्लिप्स वन, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शो होगा, ये कुछ ऐसा शो होगा, इसका एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल है। अब आपने इमेजिन करना है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को, यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड, मैंने इस बॉन्ड को पकड़ा है और मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इधर ले गई तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड कि आपने ये बॉन्ड को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स में, और आप इसको ट्विस्ट करके आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ले गए, दोनों हाइड्रोजन पास पास आ गए, तो आप स्टैगर्ड से किस में मूव कर गए, एक्लिप्स में मूव कर गए, राइट, इन दोनों का जो डिफरेंस है एंगल का डेट इज 60 डिग्री, यानी कि अगर आपने स्टैगर्ड से एक्लिप्स में जाना है या एक्लिप्स से स्टैगर्ड में जाना है तो आपको उस हाइड्रोजन को 60 डिग्री पे क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, ओके, यू हैव टू रोटेट दैट हाइड्रोजन एट द 60 डिग्री एंगल, तो 60-60 की रोटेशन करते जाओगे, इसको मैंने 60 की रोटेशन दी यहां पर आ गया, इसको मैंने 60 की रोटेशन दी यहाँ पे आ गया, तो इन टोटल अगर मैंने इस हाइड्रोजन को मूव करवाना है यहां तक तो 60+60 मींस 120 की रोटेशन हो जाएगी, ओके, तो हर एक हाइड्रोजन को जब आपने मूव करवाना है तो आपने उसको कितनी रोटेशन देनी है, 60 डिग्री की रोटेशन देनी है, यहां तक क्लियर हो गया सारा, इज दिस क्लियर। अब ये जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है आपकी, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है डेट इज बिट लेस स्टेबल, कम स्टेबल है ना, थोड़ा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वहां पे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, दे आर हैविंग सम एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन दैम, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टैगर्ड की ज्यादा है, और एक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, वो ज्यादा अनस्टेबल है, तो यानी कि अगर आपने स्टैगर्ड से एक्लिप्स में मूव करना है या एक्लिप्स से स्टैगर्ड में मूव करना है, अनस्टेबल से अगर आपने स्टेबल में जाना है, देन दे आर हैविंग वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज 12.7 किलो जाउल पर मोल, बस इतना एनर्जी डिफरेंस है, और इतनी की एनर्जी ये रूम टेम्परेचर पे भी ले लेते हैं, ओके, दे कैन एक्वायर दिस मच ऑफ एनर्जी एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एंड देन दे कैन इजिली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम द एक्लिप्स टू स्टैगर, स्टैगर टू एक्लिप्स, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम इथेन की एक स्पेसिफिक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को क्या कर सकें, साइड कर सकें, ठीक है, जो आपका इथेन है वो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में, इन दोनों कॉन्फर्मेशंस में आपको मिलेगा,
okay, because these two conformations, they are having very less energy difference between them, that they can easily attain at room temperatures. और वो रूम टेम्परेचर्स पे उसको इजीली अटेन कर सकते हैं. नाउ ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन. यहां पर आपका एंगल ऑफ रोटेशन है. कितने एंगल से हम रोटेट करते जाएंगे हर बारी? 60 से. तो हम कितना गैप लेंगे? 60 का गैप लेंगे बस. ठीक है, हियर दिस इज 0 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 120 डिग्री. ठीक है, अगेन 60, 120 के बाद 180 डिग्री. ठीक है, ठीक है बेटा, नीचे एंगल ऑफ रोटेशन समझ आ गया, पास लेके जाना. And here we are having potential energy. Collision की energy, potential energy, ठीक है? This is a zero. आपको potential energy का curve मैंने करवाया था, याद है? ऐसे वाला. याद है, पहले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, फिर ये धीरे 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 जो है वो कम होना शुरू हो जाता है एंड फाइनली बढ़ जाता है केमिकल बॉन्डिंग में. भूल गए हम, है ना? चलो यहाँ पे देखो, देयर इज जीरो. ठीक है, जीरो है यहाँ पे. अब हमने क्या कहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? एक्लिप्स की. तो एक्लिप्स विल बी हैविंग सम ऑफ द एनर्जी, जीरो नहीं होगी उसकी. जो एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि दैट इज अनस्टेबल एंड इट मस्ट बी हैविंग सम हायर एनर्जी वैल्यू. अगर मैंने एक्लिप्स से अब स्टैगर्ड में जाना है तो आई विल बी गिविंग इट अ रोटेशन ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, तो आपको यहां तक जीरो से जब मैं 60 पे आई, सपोज ये है आपका 60 डिग्री, जीरो से जब मैं 60 पे आई तो कौन सी कॉन्फर्मेशन आ गई? स्टैगर्ड. स्टैगर्ड से थोड़ा सा मैं डिफरेंस बढ़ा देती हूँ यहाँ पे. स्टैगर्ड से फिर 60 की रोटेशन पे कहाँ पर जाऊंगी? हाँ जी, स्टैगर्ड से फिर से 60 की रोटेशन पर कहाँ पर जाऊंगी मैं? एक्लिप्स पे. ठीक है, तो आप देख रहे हो हर बार एक्लिप्स की कुछ ना कुछ एनर्जी है, राइट? अगेन आई विल बी मूविंग एट स्टैंड. ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आपके पास ये कर्व है. तो आपने अल्टरनेट लिख के जाना, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है, अगेन स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, देन. ठीक है जी, और स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड तक का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है? 12.7 किलो जूल. 5 to 7 देख लेना. ठीक है, कई बुक्स में 5 लिखा, कई बुक्स में 7 लिखा हुआ. 12.7, 12.5. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो हमारे पास यही डायग्राम है. कॉन्फर्मेशन हमने सिर्फ इथेन की डिस्कस करनी है. ओके, और भी है हमारे पास, ब्यूटेन की भी है, बट हमने वो नहीं करनी. हाँ जी, क्लियर बेटा? नेक्स्ट राइट डाउन. है ये अभी लंबा चलेगा. क्या?